इधर खड़े ना हो, आगे रश ना बनाए। ये देखो सारी गाड़ियां आपके लिए आ रही हैं, पीछे गाड़ियां खाली खड़ी हैं। इस साइड पे सीधे चले जाएं, सीधे चलते जाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन आपको बहुत बड़ी खबर से आगाह करते चलें, इस वक्त सऊदी अरब में हाजियों की शहीद होने की तादाद 1000 से तजावज़ कर चुकी है। नाजरीन इस बड़ी खबर के साथ साथ आपको आगाह करते चलें कि इन हाजियों के शहीद होने की सबसे बड़ी वजह सऊदी हुकूमत की गफलत थी। नाजरीन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको बताते चलें, सऊदी हुकूमत ने इन हाजियों को वक्त पर पानी ना दिया, सऊदी हुकूमत के पास इंतजाम ना होने के बराबर थे। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त इस खबर को पूरी तरह से उछाल रहा है, क्योंकि सऊदी हुकूमत मुसलमानों से डॉलरों के हिसाब से पैसे लेती है, लेकिन इनके साथ किसी किस्म का कोई अच्छा रवैया ना किया गया। नाजरीन इस हज पर तकरीबन 1000 से ज़ायद हाजी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सऊदी अरब में गर्मी का टम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा था, जिसकी वजह से हाजियों को वक्त पर पानी ना मिला और हाजी शहीद हो गए। नाजरीन मेरी अपने तमाम व्यूअर से गुजारिश है, खुदारा खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप को हज के लिए ना भेजा करें। अगर भेजा करें तो आप उनके साथ जाया करें, क्योंकि हज एक मशक्क़त वाली इबादत है। हज जवानी की इबादत होती है, इसको जवानी में ही करना चाहिए।